देखिए, प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है, और चाहे वो व्हीकल का धुआं है उस पर भी सरकार नए सुधार कर रही, और वैसे तो खैर केंद्र सरकार ही कर रही, और जो हमारी कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे जो डीजल के वाहन हैं बंद करती जा रही, और दूसरा भी जो बहुत पुराने व्हीकल हैं उनको भी सड़क पर आने से रोक दिया, और इसी प्रकार से चाहे इंडस्ट्री पर भी हमारा पूरा प्रयास है, जो भट्ठे थे उनमें भी हमने इस प्रकार के संयंत्र लगवाए जिससे पोल्यूशन ना हो, और जहाँ जो बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था बिल्डिंग का वहाँ पे हमने ये लगाया कि वहाँ पे ज़्यादा गर्दा ना उठे, उसके लिए भी हमने नियम बनाए और उसका पालन भी करा रहे। तो हर जगह जहाँ से भी पोल्यूशन था उस पर हमने प्रयास किया। जहाँ तक पराली जलाने की बात थी उसका बड़ा भारी है, हालांकि केवल पराली इसका कारण नहीं है, कारण तो और भी बहुत हैं लेकिन पराली भी एक कारण है पराली जलाने का। पहले तो कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन आने वाले कुछ पिछले कुछ सालों में पराली जलाने का एक प्रचलन काफ़ी बढ़ गया, लेकिन वो गलती में बढ़ता चला गया। किसान को भी नहीं पता था इसका उसको क्या नुकसान है, वो समझता था कि जलाने के बाद जो राख है वो खाद का काम करेगी, लेकिन वो जो उसमें जीव थे उनको भी मार देती साथ ही। तो धीरे धीरे किसान की भी समझ में बात रही, वो भी कम करता जा रहा, और सरकार का पूरा प्रयास है, और सरकार ने ऐसे संयंत्र जो उस प्राणी को काटने का काम कर रहे थे उन पर 80% तक सब्सिडी दी, और अब की बार उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। आपने भी अगर आप इधर गांव में गए होंगे आपने देखा होगा कि वो मशीनें लगी हुई हैं और जो प्राणी काट रही है उसकी गांठे बना के उसको भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब की बार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कम होया, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए, सरकार ने अभी पटाखों के ऊपर जिस प्रकार से बैन किया था कि 2 घंटे के लिए ही केवल उसको ही परमिशन मिलेगी चलाने की, लेकिन अभी NGT का फैसला उससे भी ज़्यादा सख्त आएगा, और उन्होंने कहा कि पटाखे नहीं बजेंगे क्योंकि पोल्यूशन की मात्रा बहुत बड़ी है, और जो NGT का फैसला है देखिए सरकार उसके लिए बाध्य है मानने के लिए। मेरा मानना है कि देखिए बहुत प्राचीन, अगर पिछले टाइम में हम चले जाएँ तो कोई पटाखे बजाने की कोई बहुत बड़ी परंपरा रही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराने टाइम में भी कोई पटाखे बजाने की बात थी, दिए जलाने की बात थी, तो लेकिन बीच में एक अब हर चीज़ के तरीके बदलते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पटाखे बजाने थे तो वो पटाखे बढ़ते 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 इस लेवल तक चले गए और के वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बजने लगे, और जब कहीं पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो फिर अगर थोड़ा सा भी आप करोगे तो उसका एकदम लोग संज्ञान लेंगे कि अगर आओ और वो बढ़ाओगे। पहले इस प्रकार की स्थिति थी, वैसे भी ना ही इंडस्ट्री की वजह से थी ना दूसरी वजह से थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि NGT ने इस प्रकार का सख्त निर्णय लिया, तो सरकार तो जो भी NGT निर्णय लेगी उसको मानने के लिए सरकार तो बाध्य है, सरकार निश्चित तौर से उसका पालन कराएगी।